السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے سامنے فائدہ نمبر دو ہے استعارے کی بحث چل رہی ہے اور اس میں مرشحہ موشحہ مطلقہ یہ تمام بحثیں آ چکی ہیں اسی سے متعلق دو فائدے تھے ایک فائدہ کا بیان تو ہو چکا آج فائدہ نمبر دو کا بیان شروع کر رہے ہیں فائدہ لابد ان یکون المشبہ بہ کلیاً ضروری ہے کہ مشبہ بہ کلی ہو قسم الجنسی جیسے اسم جنس یا اس کا عالم فلا تصح الاستعارہ فی العلم الشخصی لہذا عالم شخصی میں استعارہ صحیح نہیں ہوگا الا اذا کان مؤولا مگر جب کہ وہ مؤول الی الصفت ہو بسبب اشتہاره فی وصف وصف میں صفت میں اس کے مشہور ہونے کے سبب کم اشتہر حاتم فی الجود والسخا جیسا کہ حاتم جود و سخا میں وقص فی الفصاحة اور قص فصاحت میں وصحبان فی الخطابة اور صحبان خطابت میں فتجری الاستعارة فی مثل هذه الاعلام لہذا استعارہ ان جیسے عالموں میں جاری ہوتا ہے چلتا ہے استعمال کیا جاتا ہے لأنها فی حکم الصفات اس لیے کہ یہ صفات کے حکم میں ہیں جی ترجمہ سے آپ نے مطلب سمجھ لیا ہوگا تشریح سمجھ لی ہوگی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ مشبہ بہ کا کلی ہونا ضروری ہے آپ جس چیز کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کا کلی ہونا ضروری ہے کلی کی تشریح آگے کر رہے ہیں مثلا اسم جنس ہو یعنی ایک جنس کے بہت سے افراد پہ شامل ہو بہت سے افراد پر مشتمل ہو جب کلی کہہ دیا تو اس میں بہت سارے ایک جیسے لوگ کیا ہوں شریک ہوں تو یہ ہے اسم جنس اسی کو کلی بھی کہیں گے یا عالم جنسی ہو عالم مطلقاً نہیں کہا بلکہ ضمیر کے ساتھ استعمال کے اضافت کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ عالم جنسی ہو عالم شخصی میں استعارہ صحیح نہیں ہے عالم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے عالم جنسی اور ایک ہے عالم شخصی عالم شخصی جو متعین ذات پر دلالت کرتا ہے جیسے زید عمر بکر وغیرہ عالم جنسی جو لفظ کے اعتبار سے تو عالم شخصی کے درجے میں ہوتا ہے لفظ کے اعتبار سے وہ معرفہ کے درجے میں ہوتا ہے مثلا اس جس طریقے سے عالم شخصی کو مبتدا بنانا ذوالحال بنانا صحیح ہے اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے عالم جنسی کے اندر بھی مثلا اسامہ اسد کے لیے ہے اسامہ اسد کا علم ہے عالم جنسی ہے
अब उसामा को आप मुब्तदा बना सकते हैं बगैर इस पर अलिफ लाम दाखिल किए हुए। तो इस एतबार से लफ्जन यानी लफ्ज़ के एतबार से अलम जिनसी अलम शख्सी की तरह है, लेकिन माना के एतबार से मानवी एतबार से अलम जिनसी अलम शख्सी के दर्जे में नहीं है बल्कि इसमें जिन्स के दर्जे में है। आपने जब उसामा कहा, उसामा ये असद का अलम जिनसी है जी, लेकिन उसामा के अंदर तमाम शेर दाखिल होंगे, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ एक शेर दाखिल हो, ऐसी बात नहीं है। तो उसामा माना के एतबार से आम है, जब आम है तो ये भी कुल्ली के दर्जे में हो गया, इसमें जिन्स के दर्जे में हो गया, लिहाजा इसको मुशब्बह बही बनाना सही होगा। अलम शख्सी को मुशब्बह बही बनाना सही नहीं है, क्यों ऐसा? इसलिए कि अलम शख्सी में क्या होगा, इस्तियारा तकाजा करता है कि मुशब्बा मुशब्बा बही की जिन्स में दाखिल हो, और अलम में चूंकि जिन्स की तरह उमूम नहीं होता इसलिए मुशब्बा मुशब्बा बही की जिन्स में दाखिल नहीं हो पाएगा। जब दाखिल नहीं हो पाएगा तो फिर इस्तियारा हो ही नहीं सकता। इस्तियारे के लिए ज़रूरी है कि मुशब्बा मुशब्बा बही की जिन्स में दाखिल हो। मसलन आपने जैद को तशबी दिया असद से कि जैदुन कल असदी, किस चीज़ में? बहादुरी में। तो बहादुरी में जैद उसके साथ शरीक है, बहादुरी में जैद उसके साथ क्या है? शरीक है। और ये चीज़ पाई जाएगी कहाँ? जहाँ पे उमूम हो। अगर मुशब्बा बही के अंदर उमूम होगा जैसे इसमें जिन्स या आलम जिन्स, तो वहाँ पर तो मुशब्बा मुशब्बा बही के अंदर दाखिल होगा। अगर उमूम न हो, एक ही ज़ात पे अगर मुशब्बा बही दलालत करे, तो जब एक ही ज़ात पे दलालत कर रहा है तो फिर वहाँ पे मुशब्बा उस मुशब्बा बही के अंदर कैसे दाखिल होगा? दाखिल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अलम शख्सी में इस्तियारा सही नहीं होगा। अब आगे कह रहे हैं इल्ला इदा काना मुअव्वलन इला सिफतिन, हाँ अगर अलम शख्सी मुअव्वल इला सिफत हो। मुअव्वल इला सिफत का मतलब कि अब वो उस अलम का एतबार नहीं है, उस अलम को जब बोला जाता है तो उससे उसकी ज़ात मुराद नहीं होती है, बल्कि उस ज़ात के अंदर जो सिफत पाई जा रही है, जो माना पाया जा रहा है, उस सिफत की वजह से दूसरे लोगों पर भी इसका इतलाक हो रहा है। तो गोया कि उस अलम शख्सी में उस ज़ात की तरफ नज़र नहीं जाती, बल्कि उस ज़ात के अंदर जो सिफत होती है उस सिफत की तरफ नज़र जाती है। तो ये मुअव्वल इला सिफत हो गया। लिहाजा अगर कोई अलम शख्सी मुअव्वल इला सिफत है तो फिर उसको मुशब्बह बही बनाना जायज़ है, चूँकि अलम शख्सी का एतबार नहीं है तो अलम शख्सी गोया कि ख़त्म है, और सिफत के अंदर उमूम होता है, लिहाजा सिफत अब हो गई, और जब सिफत वो चीज़ बन गई तो उसका इस्तियारा सही है, उसको मुशब्बह बही बनाना सही है। बिसबब इश्तिहारी फी वस्फिन, यानी अलम शख्सी मुअव्वल इला सिफत हो, सिफत में उसके मशहूर हो जाने की वजह से। मसलन करें कि कमश्तर हातिमुन फिलजूदी वसखा,
जैसा कि हातिम जूद व सखा में मशहूर है। अब अगर कोई दूसरा शख्स जूद व सखा में मशहूर है और उसको कह दिया गया रई तो हातिमन, मैंने हातिम को देखा, तो मतलब ये नहीं कि उस हातिम को देखा, वो हातिम तो बहुत पहले मर चुका है। यहाँ पे उसकी यानी अलम शख्सी का एतबार नहीं है। हातिम बोल करके जिसका नाम हातिम है वो मुराद नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो सिफत पाई जा रही है जूदो सखा की, वो मुराद है कि मैंने जूदो सखा वाले आदमी को देखा। लिहाजा हातिम के साथ तस्बीह देना सही हो जाएगा, इसलिए नहीं कि हातिम आलम शख्सी है, इसलिए कि हातिम यहाँ जूदो सखा के माना में है। इसी तरीके से वकुसुन फिल फसाह, जैसा कि कुस फसाहत के अंदर मशहूर है। अब अगर आपने कहा जैदुन कुसुन या जैदुन का कुसिन कि जैद उस की तरह है, तो मतलब वही है कि यहाँ पे अलम शख्सी के साथ तस्बीह नहीं देना है, बल्कि उसके अंदर जो सिफत पाई जा रही है फसाहत की, उसके साथ असल में तस्बीह देना है। इसी तरीके से सहबान खताबत में, अब आगे देखिए फतह जरील इस्तियारा, लिहाजा इस्तियारा इन जैसे आलमों में जारी होता है, जारी होगा किन जैसे आलमों में, यानी जहाँ पे वो आलम मुअव्वल इला सिफतों, सिफत के माना में इस्तेमाल किए जाते हों। लिअन्नहा फी हुक्म सिफात, इसलिए कि ये आलम इस जैसे आलम सिफात के हुक्म में आ जाते हैं, और सिफात में तशबीह सही है, सिफात में चूँकि उमूम होता है लिहाजा उसमें तशबीह सही है। जब ये आलाम सिफात के हुक्म में हो गए तो इन आलाम में भी तशबीह सही होगी, यानी इनको मुशब्बा भी बनाना सही होगा। आगे देखिए करें अस्एला अर्रिफिल मजाज वबयिन अक्सामहु कुल्लहा, मजाज की तारीफ कीजिए। मजाज किसे कहते हैं लुगत के एतबार से भी और इस्तिलाहन भी, उसके बाद मजाज के अक्साम को बयान कीजिए। मल फ़र्क़ु बैनल मजाज़िल मुरसल वल इस्तियारा, मजाज मुरसल और इस्तियारा के दरमियान क्या फ़र्क है। अर्रिफिल इस्तियारत व बयिन अक्सामहा कुल्लहा, इस्तियारा की तारीफ कीजिए और इस्तियारा की तमाम अक्साम को बयान कीजिए। अर्रिफिल इस्तियारा अत्तस्रीहिया वल मकनिया व मस्सिल लहुमा, इस्तियारा तस्रीहिया और मकनिया की तारीफ कीजिए, दोनों की मिसाल बयान कीजिए। मैयल इस्तियारतुल असलियत व तबईया, इस्तियारा असलिया और तबईया क्या है। व मस्सिल लिकुल्ली वाहिदिम मिन्हा, हर एक की, लिकुल्ली वाहिदिम मिन्हुमा, उनमें से हर एक की मिसाल भी बयान कीजिए। उसके बाद तमरीन भी हल कीजिए, ज़रूर हल कीजिए। बयिन अनवाल इस्तियारती कुल्लहा, इस्तियारा की तमाम किस्मों को आप बयान कीजिए। फ़ी मायाती, जो नीचे आयतें और अशार वगैरह आ रहे हैं, जुमले आ रहे हैं, उसमें आप इस्तियारा की तमाम किस्मों को बयान कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबे अज़ीज़, आप तमरीन को हल करें, जहाँ भी आपको समझ में बात ना आए तो आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन तमरीन को हल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस किताब का असल मकसद जो छुपा है वो तमरीन में छुपा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।